मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोविंद ठाकुर ने AKS मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हम गरीबों का खास ख्याल रखेंगे और हिमाचल प्रदेश का विकास भी करेंगे। AKS मीडिया ब्यूरो चीफ मधुबाला की एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की आगामी जो चुनाव होने वाला है और लगता है कि नवंबर या दिसंबर में हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा उसका चुनाव होगा और उस चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जबरदस्त तैयारी की है और निश्चित रूप से हमारी तैयारी भी और प्रदेश की कांग्रेस सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। इन सब बातों के कारण जो चुनाव होगा उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाने वाली है। और दूसरा जो मनाली विधानसभा क्षेत्र है, मनाली विधानसभा क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी और यहाँ का कोई भी मतदान केंद्र ऐसा नहीं है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त ना हो और हम हर मतदान केंद्र को जीत करके और समाज के हर वर्ग का, जिसमें सामान्य वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, जनजाति वर्ग है, महिला है, पुरुष है, युवक है, यानी हर वर्ग का समर्थन हमको और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व तरीके से मिल रहा है और ये जीत सुनिश्चित है और हमारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। सर, आप जीतते हैं तीसरी बार तो मंत्री बनते हैं, तो आप प्रदेश को यानी कि किस प्रकार से आप सुधार लाएंगे स्टेट में? देखिए, वर्तमान में देश में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी ने पूरे पॉलिटिकल कल्चर को बदल के रख दिया है। अब जिसको राजनीति में रहना है उसको वास्तव में डेवलपमेंट का काम भी करना और सच्चे मन से वंचितों, दरिद्रों और गरीब लोगों के लिए काम भी करना है। और जो देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री ही नहीं, मैं तो देश का प्रधान सेवक हूँ, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी एक सेवक के नाते पूरे विधानसभा क्षेत्र की या जिस भी स्तर के कोई जिम्मेदारी मिलेगी एक सेवक के नाते सेवा करेंगे और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को